दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केएल राहुल ने घोषित करी पंजाब की खतरनाक टीम। अचानक से टीम में किए बड़े बदलाव, अब पंजाब की जीत हुई लगभग तय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2021 का 8वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाने वाला है। दोस्तों इस मुकाबले के लिए केएल राहुल ने पंजाब की प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसमें कई सारे बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद अब पंजाब की जीत लगभग तय नजर आ रही है। दोस्तों पूरी खबर विस्तार से आज हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज का यह रोमांचक मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2021 में टूर्नामेंट में पंजाब किंग्स ने जीत के साथ शुरुआत की है। पंजाब किंग्स ने अपने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके तहलका मचा दिया था। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। हालांकि पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी तो बहुत ज्यादा बेहतरीन रही, लेकिन गेंदबाजी में पंजाब किंग्स बहुत ज्यादा कमजोर नजर आई थी, जिस वजह से पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों आईपीएल 2021 के 8वें मुकाबले के रूप में पंजाब किंग्स का अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला जाने वाला है। यह मैच 16 अप्रैल यानी कि आज शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाने वाला है। वहीं दोस्तों इस मैच को जीतकर पंजाब किंग्स की टीम लगातार अपने दूसरी जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों क्या आपके हिसाब से पंजाब किंग्स की टीम अपना दूसरा मुकाबला जीत पाएगी, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इस मैच में पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। पिछले मैच में पंजाब की बल्लेबाजी बेहतरीन रही थी, लेकिन पंजाब की गेंदबाजी काफी ज्यादा कमजोर नजर आई थी, जहाँ पिछले मैच में स्पिनर गेंदबाज मुर्गन अश्विन अपनी गेंदबाजी से एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके थे। ऐसे में मुर्गन अश्विन की जगह पंजाब की टीम में एक दिग्गज खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाज रिले मेरिटिट पिछले मैच में बेहद ही ज्यादा महंगे साबित हुए थे और मात्र एक विकेट हासिल कर सके थे। ऐसे में इनकी जगह टीम में क्रिस जॉर्डन को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों टूर्नामेंट के पहले मैच में पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके अच्छे फॉर्म में होने का सबूत दिया था। हालांकि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पिछला मुकाबला गंवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब किंग्स की टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहिए। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल की सबसे सफल टीम के रूप में मानी जाती है। अब दोस्तों अपने दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम वापसी करना चाहेगी। ऐसे में आज का यह मैच काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, जहां एक तरफ कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी मौजूद होंगे, तो वहीं पर दूसरी तरफ युवा कप्तान केएल राहुल मौजूद होंगे। दोनों ही टीमों के बीच आज के इस मैच में कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस मैच में पंजाब किंग्स की टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है और पंजाब की प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है। तो चलिए पूरे विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजी में नंबर एक पर पंजाब किंग्स की टीम में विकेटकीपर कप्तान केएल राहुल मौजूद होंगे। दोस्तों टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में केएल राहुल ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा था। वहीं दोस्तों पिछले आईपीएल केएल राहुल ने सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। अब दोस्तों इस आईपीएल के पहले ही मैच के द्वारा केएल राहुल ने 91 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। अब दोस्तों आज के इस मैच में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर दो पर केएल राहुल के साथ ओपनर बल्लेबाज के तौर पर मयंक अग्रवाल मौजूद होंगे। पिछले आईपीएल मयंक अग्रवाल ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल का भरपूर साथ दिया था। हालांकि पिछले मैच में मयंक अग्रवाल मात्र 14 रन बनाकर ही आउट हो गए थे, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाजी में मयंक अग्रवाल काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में आज के इस मैच में मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जोड़ी बेहद ही ज्यादा धमाल मचा सकती है। वहीं दोस्तों नंबर तीन पर यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल मौजूद होंगे। पिछले मैच में क्रिस गेल ने इस स्थान पर खेलते हुए 28 गेंदों पर 40 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी और अपने इस बेहतरीन योगदान के बदौलत क्रिस गेल ने पंजाब की टीम को एक बड़ा स्कोर बनाने में काफी ज्यादा मदद की थी। ऐसे में दोस्तों आईपीएल के बाकी बचे मैचों में भी क्रिस गेल से ऐसी ही प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर चार पर ऑलराउंडर बल्लेबाज दीपक हुडा मौजूद होंगे। दीपक हुडा ने पिछले मैच में बेहद शानदार बल्लेबाजी की थी। दीपक हुडा ने पिछले मैच में 28 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली थी। अपने इस विस्फोटक पारी में दीपक हुडा ने 4 चौके और 6 छक्के लगाए थे। दीपक हुडा ने मौजूदा टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। अब दोस्तों आज के इस मैच में दीपक हुडा से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर पांच पर वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन मौजूद होंगे। पिछले मैच में निकोलस पूरन अपनी बल्लेबाजी का जलवा नहीं बिखेर सके थे और 0 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे, लेकिन आईपीएल 2020 में निकोलस पूरन का प्रदर्शन शानदार रहा था। वहीं दोस्तों नंबर 6 पर ऑलराउंडर शाहरुख खान मौजूद होंगे। बल्लेबाजी में शाहरुख खान ने नाबाद 6 रनों की पारी खेली थी, लेकिन गौरमतलब है कि गेंदबाजी में शाहरुख खान को पंजाब की टीम ने एक भी ओवर नहीं डालने दिया। तमिलनाडु के इस विस्फोटक ऑलराउंडर ने हाल ही में सैयद अली मुश्ताक
ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं दोस्तों नंबर 7 पर ऑलराउंडर जाय रिचर्डसन मौजूद होंगे। बल्लेबाजी में जाय रिचर्डसन बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, 0 रन के स्कोर पर आउट हो गए थे। वहीं गेंदबाजी में रिचर्डसन ने 4 ओवर में 55 रन लुटा दिए थे और मात्र 1 विकेट हासिल किया। ऐसे में जाय रिचर्डसन को अपने प्रदर्शन में काफी ज्यादा सुधार लाना होगा। वहीं दोस्तों नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई मौजूद होंगे। पिछले मैच में खराब प्रदर्शन की वजह से मुर्गन अश्विन को आराम देकर रवि बिश्नोई को मौका दिया जा सकता है। दोस्तों रवि बिश्नोई घरेलू मैचों में अपना शानदार प्रदर्शन दिखा चुके हैं, आज के इस मैच में इनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों नंबर 9 पर पंजाब किंग्स की टीम में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले मैच में पंजाब की तरफ से गेंदबाजी में रिले मैरथीट बेहद ही ज्यादा खराब प्रदर्शन किए थे। ऐसे में इनकी जगह टीम में क्रिस जॉर्डन को शामिल किया जा सकता है। पिछले IPL क्रिस जॉर्डन ने पंजाब की तरफ से खेलते हुए काफी शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों इसके बाद नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह मौजूद होंगे। पिछले मैच में अर्शदीप सिंह ने अपनी तेज गेंदबाजी का जलवा बिखेरा था और दोस्तों शानदार गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप ने 3 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा दोस्तों साथी में अंतिम ओवरों में निर्णायक समय में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। वहीं दोस्तों नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मौजूद होंगे। पिछले मैच में पंजाब की तरफ से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा किफायती गेंदबाजी की थी और इसके साथ साथ 2 विकेट भी हासिल किए थे। ऐसे में मोहम्मद शमी का भी प्रदर्शन देखने लायक होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से चेन्नई के खिलाफ यहां पर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 हो सकती है, जहां पर बड़े बदलाव के साथ पंजाब की टीम मैदान पर उतर सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों उसके बाद घंटे वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।